दांत के स्ट्रक्चर को होने वाला नुकसान है, जो दांत के एनिमल और दांत की परत दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर दांत में सड़न की प्रॉब्लम होती क्यों है और क्या इसे होने से रोका जा सकता है, तो मैं आपको आज इसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, दांत में सड़न की समस्या तब होती है जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें चीनी और स्टार्च वाली चीजें जैसे ब्रेड, दूध, सोडा, फल, केक या कैंडी जैसी चीजें शामिल होती है, उनको खाने के बाद ब्रश नहीं करते और इन खाद्य पदार्थों का कुछ हिस्सा दांतों पर ही चिपका रह जाता है। मुंह में मौजूद ओरल बैक्टीरिया इन खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं और उन्हें एसिड में बदल देते हैं। अब बात करते हैं दांतों की सड़न को रोकने के तरीके के बारे में। अगर दांतों में सड़न हो जाए उसके बाद उसका इलाज करवाने से बेहतर है कि हम अपने दांतों की सड़न की प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक दें। इसके लिए हमें कुछ उपायों को आजमाना चाहिए, जैसे दिन में 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर अच्छी तरह से ब्रश करें। बेहतर तो यही होगा कि आप हर बार खाना खाने के बाद ब्रश करें और खास करके सोने से पहले तो जरूर ब्रश करें। दोस्तों, अब मैं आपको दांतों की सड़न के कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताती हूँ। दांतों की सड़न दूर करने के लिए नमक के पानी से कुल्ला करें। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिला लें और इस नमक वाले पानी को मुंह में लेकर कुछ देर तक अच्छी तरह से कुल्ला करें। इससे दांतों की सड़न, कैविटी और मुंह की बाग की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। बेटर रिजल्ट के लिए नमक वाले पानी का इस्तेमाल रोजाना करें। आप चाहें तो रात में सोने से पहले भी नमक वाले पानी से कुल्ला कर सकते हैं। दरअसल नमक में एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जिसमें दांतों में सड़न, कैविटी दर्द और संक्रमण को दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 2, अगर दांतों की सड़न दूर करनी है तो लौंग का तेल इसमें बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। दांतों में दर्द, सड़न और कैविटीज जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में लौंग का तेल भी एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा माना जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर लौंग के तेल में यूजेनॉल होता है जो दांतों में होने वाली किसी भी तरह के सेंसेशन को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा लौंग में एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो मुंह के साथ ही दांत और मसूड़ों को भी साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 3, नीम की डंडी दांतों की सड़न से बचाती है। नीम भी आपके दांतों को साफ करने का एक बहुत ही स्वस्थ और प्रभावी तरीका होता है। नीम की डंडी या छोटी सी टहनी जिसे नीम की दातुन भी कहते हैं, उसे चबाने से दांत और मसूड़े बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। नीम की दातुन चबाते टाइम जो शक्तिशाली प्लांट कंपाउंड रिलीज होता है वह बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है और दांत को सड़ने से बचाता है। साथ ही नीम में फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से प्लाक को भी दांतों से दूर रखता है। नीम की डंडी को चबाने के बाद साफ पानी से कुल्ला कर ले। अगर नीम की डंडी ना मिले तो आप नीम का तेल भी दांतों और मसूड़ों पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।